बिलासपुर शहर का चर्चित फर्जीवाड़ा मामले में ने तूल पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक राजेश सेठ और उनकी पत्नी रजनी सेठ सहित बता दें कि सेंट्रल बैंक के कर्मचारी इस मामले के आरोपी हैं। सबसे बड़ी बात, फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ तारबहार थाना में कई धाराओं के तहत जुर्म दर्ज है। सेंट बैंक कर्मचारी के अलावा बाकी आरोपियों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, किंतु अजमानतीय अपराध के फरार आरोपी सेंट बैंक कर्मचारी नितिन निगम को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। प्राप्त जानकारी में पुलिस सेंट बैंक कर्मी नितिन निगम को फरार बता रही है। तो इधर सूत्र के मुताबिक नितिन निगम सेंट बैंक में अभी भी नौकरी करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस जाँच के बाद गिरफ्तार करने की जानकारी दे रहे हैं। गौरतलब है कि बिल्डर राजेश सेठ और रजनी सेठ ने सेंट बैंक के कर्मचारियों से मिलीभगत कर शहर के लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अपने जीवन भर की जमा पूंजी लुटा चुके लोगों को आज भी न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। सीएसपी के अनुसार मामले में जांच जारी है और जांच के बाद आरोपी नितिन निगम को गिरफ्तार किया जाएगा। मिल के हमारे साथ धोखाधड़ी कर दिए। बाद भी करीब 1.5-2 साल हो गए हम चक्कर काट रहे हैं पुलिस वाले के साथ, और इधर उधर गिरफ्तारी धारा लगने के बाद भी आज तक जो बैंक कर्मी हैं चाहे जो भी प्रियंत्रकारी हैं उनका गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। और मुझे पता लगा है कि वह अब बैंक में काम भी कर रहे हैं, तो हमें कैसे न्याय मिलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा।